मुसलमान कौम जो है ना आज तक डरी है ना आइंदा डरने वाली। मुसलमान की शान ये कि वो बुजदिल नहीं हो सकता, चाहे उस पर कैसे हालात आए, कितना डराया जाए। और मुसलमान कौम का तो ये मामला ही रहा है, जब तक उसे जितना दबाया गया, जितना उस पर परेशानियाँ डाली गई हैं, वो कौम उतनी ही ज़्यादा निखर कर बाहर आई। हम 2 महीने से ये तैयारियों में लगे हुए हैं और बहुत ज़ोरों शोर से तैयारियाँ चल रही है, क्योंकि मुल्क में जो हालात हो रहे हैं प्रजेंट में हालात ये राजनीति ने बनाए हुए हैं। पॉलिटिकल कुछ लोग हैं, कुछ हैं, ये सारे नहीं हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इन्होंने बना रखा है। हिंदू मुस्लिम मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ अपने जाल में, हिंदू बनाओ उनसे ही ये होगा, और इस तरीके का जो ये माहौल बनाया हुआ है एक मुल्क में, दहशत का माहौल है, डर का माहौल है कि मुस्लिम लड़कियाँ निकल नहीं सकती बाहर। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार जयपुर में जो हूं मैं बना हुआ हूं और इसी की तस्वीर जो है हम लोगों के साथ आ रही है, क्योंकि अब इन तस्वीरों पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आज जयपुर के ईदगाह मैदान में तकरीबन 40 से 50 हज़ार हमारी मुस्लिम बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ यहाँ मौजूद हैं, जो कि एक आवाम को मैसेज देने के लिए हैं, जो एक भ्रम, एक झूठ खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए फैलाया जा रहा है उसका जवाब देने के लिए। और सबसे बड़ी ताकत जो 40-50 हज़ार का मजमा आप यहाँ ईदगाह मैदान में देख रहे हैं, उनके पीछे किन लोगों का हाथ है, उनकी इस प्रोग्राम के ज़रिए बात होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईदगाह मैदान में हमारे साथ ये मुस्लिम बहनें वॉलंटियर्स हैं हमारी, जो इस 40-50 हज़ार मजमे को पूरी तरीके से संभाल रही हैं, जिसकी तस्वीरों पर बात करना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि ह्यूमन चेन बना करके तमाम लोग खड़े हुए हैं, तो यही अंदर में आप देखेंगे कि डॉक्टर्स का भी इंतज़ाम जो है साफ तौर पर किया गया है, जो कि अगर किसी की हालत बिगड़ती है तो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। यही बीच में कई कई जगह पर बेंच लगा रखे हैं, डॉक्टरों का इंतज़ाम आप यहाँ देखेंगे, दोनों तरफ में डॉक्टर्स का इंतज़ाम है। अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो अगर डॉक्टर संभालेंगे तो वो डॉक्टर नहीं संभाल पाए तो एम्बुलेंस का इंतज़ाम है, अस्पताल में ले जा करके उनका इलाज किया जाएगा। अब मैं बहनों से बात करूंगा कि जिस तरीके का एक झूठ फैलाया जाता है उस झूठ के बारे में बात करेंगे। जो ये प्रोग्राम आप लोग संभाल रही हैं 40,000-50,000 महिलाओं को जो आज आपने संभाल रखा है, उसके पीछे की ताकत क्या है आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि लोगों ने इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा झूठ फैलाया हुआ है, तो मैं इस झूठ के खिलाफ उनको एक बात ही बताने वाली हूँ कि ये झूठ नहीं है, इस्लाम सबसे सच्चा और हकीकी मज़हब है। और मैं ये जो प्रोग्राम करने का असल मकसद है वो है चेंजेस, हमारी कम्युनिटी में चेंजेस लाना, माशरे में चेंजेस लाना, एरियाज़ में चेंजेस लाना, खुद में चेंजेस लाना। किस तरह हमें खुद में चेंजेस लाने हैं? जब तक हम खुद चेंज नहीं होंगे, हम अपने आप में चेंजेस नहीं लाएंगे, तब तक माशरे में चेंजेस नहीं हो सकते। क्योंकि अवेयरनेस की बात जो है हजरत भी लगातार करते हैं, एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, डेवलपमेंट की बात लगातार मंचों से होती रही है, क्योंकि इससे पहले आप ही के जयपुर की सरजमी पर करबला में 4-5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, तभी से लोगों की नज़रें जयपुर में बनी हुई थी। महिलाओं के लिए ख़ासतौर पर ये प्रोग्राम रखा हुआ है, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रोग्राम महिलाओं के लिए नहीं देखे जाते, तो किस तरीके से एक उत्साह मिलेगा इस प्रोग्राम के बाद आपको? इस प्रोग्राम के बाद बहुत बड़ा उत्साह ये है कि हर एक लड़की, हर एक ख़वातीन अवेयर हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी भी मुतालिबे से अवेयरनेस हो। ख़ास तौर पे मेन जो मोटिव है हमारे हजरत का वो है तमाम ख़वातीन और लड़कियां एजुकेटेड हो, हमारा मुआशरा एजुकेटेड हो, और जितने ज़्यादा हम लोग एजुकेटेड होंगे, चाहे वो दीनी मुतालिक हो या दुनियावी मुतालिक हो, तालीम हमारी की एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है, क्योंकि हमारे बीच में हमारी माएँ भी मौजूद हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हिजाब को लेकर के झूठ फैलाया गया, हिजाब को जो टारगेट करने की कोशिश की गई है, किस तरीके से देखती हैं? और ये भी बता दिया जाता है कि मुस्लिम बहनें तो डरी हुई हैं, क्या डरने वाली हैं आप? नहीं, ये कुरान पढ़ के देखिए, अगर आपको मतलब ये देखना है ना, तो कुरान एक ऐसी किताब है, इसको आप, ये हिंदी में सब में छपी हुई है, आप कुरान पढ़ के देखिए। और ये सभी को यहाँ जो बुलाया जाता है माँ बहनों को, तो यही समझाने के लिए कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें और दीन को समझें। दीन को समझने के लिए तमाम बातें की जा रही हैं, क्योंकि हमारे साथ में जो हैं
बच्चियां भी मौजूद हैं, हमारी बहनें मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि एक बड़ी ताकत आज, बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने संभाली है, 40 से 50 हज़ार महिलाओं को आप संभाल रही हैं, किस तरीके की तैयारियां और आप कब से ये तैयारियां कर रही हैं? हम 2 महीने से ये तैयारियों में लगे हुए हैं और बहुत ज़ोरों शोर से तैयारियाँ चल रही है, क्योंकि मुल्क में जो हालात हो रहे हैं प्रजेंट में हालात ये राजनीति ने बनाए हुए हैं। पॉलिटिकल कुछ लोग हैं, कुछ हैं, ये सारे नहीं हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इन्होंने बना रखा है, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ अपने जाल में, हिंदू बनाओ उनसे ही ये होगा। और इस तरीके का जो ये माहौल बनाया हुआ है, एक मुल्क में दहशत का माहौल है, डर का माहौल है कि मुस्लिम लड़कियाँ निकल नहीं सकती बाहर, और बाहर नहीं निकल सकती, और उनको इतना वो बनाया हुआ है कि वो मतलब बिल्कुल एजुकेशन उनकी छीनी जा रही है कि वो पर्दे में, मुसलमान तो भाई पर्दा करेंगी ना, मुस्लिम है तो पर्दे में वो ना निकल पाए, और उनका हिजाब बंद किया जा रहा है कि वो हिजाब भी ना पहने, हिजाब पे रोक लगा दी जा रही है ताकि मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन से दूर हो जाएं, पागल हो जाएं और बिल्कुल जाहिल रह जाएं, और हिंदू लड़कियाँ आगे बढ़े वही बड़ी बड़े। हाँ, उन पर भी आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा प्रोग्राम मुस्लिम ख्वातिनों के लिए देखने को नहीं मिला, प्रोटेस्ट एहतजाज सब जगह होते रहे, पर मुस्लिम महिलाओं के लिए पहले बार आपकी जयपुर की सरजमी से मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के द्वारा ये पैगाम दिया गया, कितनी बड़ी ताकत आप लोगों को इस प्रोग्राम के बाद मिलने वाली है? बहुत बड़ी इंशाल्लाह, बहुत बड़ी। आगे किस तरीके की तैयारियाँ रहेंगी, क्योंकि एक झूठ जो हिजाब को लेकर के फैलाया जाता है खासतौर पर, बहुत तैयारियाँ। हम मुसलमान लड़कियों को भी समझना होगा, इस चीज़ को एहसास करना होगा, उनको जागना होगा। अब वो वक्त आ गया है जब मुस्लिम लड़कियां हैं उनको बिल्कुल जागना होगा, उनको बिल्कुल एक तरीके से ध्यान इस तरीके पे लगाना होगा कि कैसे उन लोगों को रोका जा रहा है, उन लोगों को बिल्कुल आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। क्या जो झूठ लगा दिया जाता है, झूठ फैला दिया जाता है, उससे मुस्लिम बहनें हमारी डरने वाली हैं? मुसलमान कौम जो है ना आज तक डरी है, ना आइंदा डरने वाली। मुसलमान की शान ये कि वो बुजदिल नहीं हो सकता, चाहे उस पर कैसे हालात आए, कितना डराया जाए। और मुसलमान कौम का तो ये मामला ही रहा है, जब तक उसे जितना दबाया गया, जितना उस पर परेशानियां डाली गई हैं, वो कौम उतनी ही ज़्यादा निखर कर बाहर आई। अब ये मौका है अभी हमारे वक्त कि हमें इतने सारे चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, कभी हमारे हिजाब पर निशाना लगाया जा रहा है, कभी हमारी नमाजों पर निशाना लगाया जाए, कभी मस्जिदों पर, कभी अजान पर। अब यहाँ तक जो मुस्लिम लड़कियाँ स्टूडेंट्स हैं स्कूल कॉलेज के अंदर एजुकेशन हासिल कर रही हैं, उन लड़कियों को निशाना बनाकर इस तरह का निशाना बनाया जा रहा है कि उनको किस तरह ईमान से खाली कर दिया जाए। हालांकि ईमान हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत जो है, किस तरह उन मुसलमान लड़कियों से छीन ली जाए, जिसके लिए उन्होंने नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया है, नई उन्होंने साजिश इख्तियार की, लेकिन ये उनका ख्याल है कि वो जितना इस कौम को दबाना चाहेंगे ना, ये कौम उतनी ही ज़्यादा आगे बढ़कर आएगी। ये मामला क्या है, कितना हर पूरी तारीख के अंदर उठा कर देखी कि इस कौम पर जितने हालात आए, जितना इस कौम को दबाया गया, ये कौम उतनी ही ज़्यादा निकली जाए। अब तक इनका ये मामला रहा है कि इस तरह मुसलमानों को इस्लाम से दूर किया जाए, मुसलमान लड़कियों को इस्लाम से दूर किया जाए, किस तरह उसके दिलों से ईमान की नफरत पैदा किया जाए। वो अपने गैर मुस्लिम लड़कों को ट्रेनिंग देकर के इस तरह मुस्लिम लड़कियों के पास भेज रहे हैं ताकि वो उनको अपना बिल्कुल अपनापन दिखाएं, अपने से बहुत ज़्यादा उत्साहित करें और उनको अपने घर से बिल्कुल बेगाना करके उनके घर से भगाएं, और उनको क्या है अपनी मोहब्बत इतनी डालें कि उन लड़कियों के अंदर ईमान की नफरत ख़त्म हो जाए। लेकिन ये उनका गलत ख्याल है कि जब इस तरह वो करेंगे तो बजाएंगे कि मुसलमानों के दिलों के अंदर इस्लाम की अहमियत ख़त्म होगी, बल्कि उल्टी ज़्यादा क्या इस्लाम की अहमियत मुसलमानों के दिलों के अंदर आएगी, और अपने इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़रूर नाकाम होकर रहेंगे। ये प्रोग्राम के ज़रिए तो तमाम चीज़ें नाकामयाब होंगी, मैं इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि जब भी बात की जाती है हमारी मुस्लिम बहन बेटियों की, तो एक शगुफा चाहे सरकार के नुमाइंदे फैला देंगे कि मुस्लिम बहन बेटियों को जो दीनी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं है, हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है, किस तरीके से देखते हैं जो एक झूठ फैला दिया जाता है कि मुस्लिम बहनों को ख़ासतौर पर आगे नहीं आने दिया जाता। ये इसलिए फैलाया जाता है ताकि मुसलमान सोचे कि भाई वो डर जाए आगे से, कि पहले हमें कहा जा रहा है कि हम मुसलमान लड़के हिजाब नहीं पहनते या हमारी हिजाब पर पाबंदी है, ताकि उनके अंदर एक खौफ और एक डर सा पैदा हो जाए। लेकिन ये उम्मत जो है ना डरने वाली नहीं है, इसको जितना दबाया जाएगा, अब हालात इस तरह नहीं है कि हम क्या डर कर काम करें, अब बल्कि अब हालात ऐसे कि मुकाबला पर किया जाए। अगर वो लोग मुकाबला करने के लिए तैयार है तो हम उनसे डबल क्या मुकाबला करने के लिए तैयार।
तो ये हमारी बहनें हमारे साथ मौजूद थीं जो कि ह्यूमन चैन बना करके भी इस 40 से 50 हज़ार मजमे को पूरी तरीके से संभालती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ साथ वहाँ आप देखेंगे, मैं कैमरामैन शारिक से कहना चाहूँगा कि वहाँ डॉक्टर्स का इंतज़ाम जो किया गया है, एक बार उसको दिखाएँ।